हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की कंट्रोवर्सी का। तो हमें सबको पता है कि छेड़ने की कोशिश की थी बाबर आजम को, और वो जो कवर ड्राइव है वो फेमस हो गया है। तो सॉलिड रिप्लाई ऑफ शाहीन आफरीदी टू आमिर फॉर कॉलिंग बाबर आजम अ नॉर्मल प्लेयर। जी हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर ने बोला था कि वो वर्ड बोल दिया था उन्होंने, तो उसके पीछे शाहीन आफरीदी ने क्या रिप्लाई किया है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में हमें दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा और बेहतरीन खिलाड़ी मिला है यानी बैटिंग के हवाले से, तो वो बाबर आजम है। अब आप देखिए ज़रा कि मोहम्मद आमिर ने जो बदतमीज़ी का अंदाज शुरू किया है उस पर शाहीन शाह आफरीदी भी खुलकर सामने आ गए हैं। यार ये अच्छा। तुमने क्या हरकत की है? आपको शाहीन शाह आफरीदी की गुफ्तगू सुनवाते हैं, पहले समझ लें कि आज आमिर ने घटियापन क्या किया। आमिर ने अब चूंकि बाबर आजम के साथ जब आमना सामना हुआ, तीन दफा आमना सामना हुआ है मैचेस में, तो तीनों दफा बाबर आजम 50 कर चुके हैं, यानी आमिर उसको कुछ भी नहीं कर पाया। अब सूरत हाल ये है कि आमिर पूरे पाकिस्तान की जानिब से उस पर तनकीद हो रही है, खास तौर पर वो एक गंदा सा जो जर्नलिस्ट है जो हर वक्त कराची की सुबाइयत फैलाने के लिए आगे रहता है, उसने आमिर के कान जो भड़काए हैं। और बाकी क्योंकि चला हुआ कारतूस, अब उसकी इतनी वैल्यू है नहीं कि वो टीम में आए। शाहीन चला हुआ कारतूस, एहसानुल्लाह और जितने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं लोग, बहुत शाहीन के बाद खिलाड़ी जबरदस्त, जरूरत नहीं है अब इस बंदे की, जगह बनती नहीं है इवन के टॉप हरकतों के बाद 30 में भी जगह नहीं बनती। अब आमिर ने काम यही किया कि उसने चार ओवर किए मैच, वो टीम को जितवा नहीं पाया और उसने दो खिलाड़ियों को आउट किया। एक नवाज था जिस बेचारे ने 5 मैच खेले और उसने स्कोर ही नहीं किया, और दूसरा डॉन ब्रैडमैन यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायद खिलाड़ी फहीम अशरफ, जिसकी एवरेज 11 की है, उसको आउट करने के बाद ये दोस्त ने विकेट लिए 4 ओवर्स में और बदतमीजी करता रहा, यानी चुप करता रहा। असल में वो बाबर आजम को इशारा करता रहा था बदतमीजी की जानिब से, तुम्हारी औकात नहीं है, या जितने लोग उससे नफरत कर रहे हैं या उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको उनको चुप करा रहा है। आमिर ने उंगली का इशारा किया यानी मुंह पर उसने हाथ रखा, गलत एटीट्यूड है। आप अंदाजा कीजिए ये उसकी हसीयत है। और आप जरा इस तस्वीर को देखिए, शाहीन शाह आफरीदी ने बाबर आजम को एक दफा बोल्ड किया और वो ऐसी गेंद थी कि शाहीन शाह आफरीदी ने वो गेंद करवाई जो वसीम अकरम भी शायद ना करवा पाते। और बाबर आजम को आउट करना ऐसी गेंद पर बिल्कुल जिस तरह केएल राहुल को आउट किया या इंग्लैंड के खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन शाह आफरीदी खुद नंबर वन बॉलर है, जब उसको ये पता चला कि आमिर ने घटियापन किया है बाबर आजम के बारे में, तो आप देखिए जरा शाहीन शाह आफरीदी ने आमिर को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया। टैलेंट अपनी जगह है, देखिएगा शाहीन शाह आफरीदी वर्ल्ड क्लास नंबर वन बॉलर है और आमिर उसके पास भी नहीं आता, उसे क्या जवाब दिया। फिर आपको बताते हैं कि अब खिलाड़ियों के अंदर कितनी बददिली पैदा हुई है और आमिर के लिए कितनी नफरत पैदा हुई है कि दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी को तुमने इतने घटिया अल्फाज में और आगे से एग्रेशन जो दिखा रहे हो, ये क्या सूरत हाल है? सबसे पहले आप जरा शाहीन की गुफ्तगू सुनिए। अच्छा, अगर आपको याद हो अहमद शहजाद और वहाब रियाज का PSL आई थिंक 2 में शायद एक टकरा हुआ, फिर उसके बाद आपका सरफराज के साथ हुआ, और अभी कराची किंग्स और जब जलमी का मैच हो रहा था आमिर और बाबर के दरमियान एक जो है वो लफ्ज़ों की जंग थी। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि होना चाहिए इस तरह की चीज़ें, या आप समझते हैं कि नहीं जी जो मीडिया बहुत ज़्यादा लेकर चला जाता है चीज़ों को, कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं हीट होती है तो ज़रा मैच देखने में मैच से पहले ही थोड़ी सी गर्मी हो जाती है? नहीं, आई थिंक मुझे तो खैर पहला वाला नहीं याद, आपने वहाब भाई का नाम लिया, वहाब और अहमद ने छक्का मारा था। अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप मेरी सैफी भाई की बात करें, देखिए भाई उसमें मैं भी जाहिर सी बात है मैं भी सैफी भाई से भी माजरत उस चीज़ के करता हूँ और मेरी गलती है मैं कह सकता हूँ। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए फील्ड पर, और जो देखने वाले हैं बच्चे हैं फैमिलीज़ है तो उनको एक डिफरेंट माइंड सेट के साथ उनके इम्प्रेशन जाता है, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। और अभी आपने पिशावर जलमी और कराची की बात की, देखिए मुकाबला होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता बॉल और बैट का मुकाबला है, बट आई थिंक स्लैजिंग जो है वो जो फैमिलीज देखती है वो काफ़ी बुरा लगता है और आई थिंक ये नहीं होना चाहिए किसी स्पोर्ट्स में। लेकिन स्लैजिंग की बात नहीं, उन्होंने आमिर ने बाबर के बारे में कह दिया कि मैं चाहे बाबर को गेंद करूँ चाहे टेल एंडर को गेंद करूँ मेरे लिए एक ही बात है। अच्छा, ये बाबर के लिए कहा है, सरप्राइजिंग। आप वर्ल्ड के आप किसी भी जगह जाए और किसी भी टीम के खिलाफ गए और बोले कि बाबर इस टीम के खिलाफ खेल रहा है तो बोलेगा ओह बाबर आजम किंग,
तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर आजम नंबर वन प्लेयर है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारा कैप्टन है। और जाहिर सी बात है, अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जब पाकिस्तानी वो हमारा कैप्टन है तो और कौन करेगा। आपने सुनी गुफ्तगू, एक नंबर वन बॉलर, नंबर वन खिलाड़ी की अहमियत को समझ सकता है, यानी हीरा ही हीरा को समझ सकता है कि यार उसकी वैल्यू का। आमिर के मुताबिक बाबर आजम इसी तरह है जिस तरह टेल एंडर्स, और हो ये रहा है कि वो बेचारे का दिमागी तवाजुन बिल्कुल खराब हो चुका है, यानी उसको समझ नहीं आ रही कि मैं करूं क्या। अब एग्रेशन दिखा रहा है, कभी मारने के ऊपर तुला हुआ है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि असल में जितने बाकी खिलाड़ी हैं बाबर को वो एडमिट करते हैं। अब असल में जो बैन लगा दो यार, जिसके बारे में रमीज राजा ने कहा था, एक टोला है पूरा जर्नलिस्ट का, वो जर्नलिस्ट नहीं असल में वो माफिया ब्लैकमेलर्स है। वो काम ये करते हैं कि चले हुए जितने कारतूस हैं, वो फीके हुए जो कारतूस होते हैं, उसके कहने पर वो ट्वीट करता है, उनके कहने पर वो आवाज़ करता है, जी हम इसको टीम में ले, फलाना ले, ये ले, आमिर को ले ले टीम में। और आमिर की औकात ये है कि वो टॉप 30 में भी नहीं आता। अब असल में जितने खिलाड़ी हैं वो बड़े शदीद नाराज़ हैं, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान का वो प्लेयर है जिसे पूरी दुनिया में आपको इज्जत दिलवाई, और वो इतना अच्छा हमारा कप्तान है, यानी इतना जबरदस्त। विराट कोहली भी इज्जत करता है। अंदाजा कीजिए, गंदे जितने भी लोग हैं इन्होंने उस पर तनकीद की, और आगे से वो जवाब देता है खामोश रहकर अपनी परफॉर्मेंस से, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोहली के साथ आप देखिए कि इंडिया के बड़े बड़े खिलाड़ी थे, वो बाबर आजम तो बेचारा अकेला है, रिजवान उसके साथ है, और हालत ये है कि आप सबने सरफराज की हालत देख ली, यानी एहसानुल्लाह जैसे एक अच्छे बॉलर से सरफराज को समझ ही नहीं आ रही कि उसको खेलना कैसे है, उसको कैसे मैनेज करना है। कोयटा ने बेड़ा गर्क अपना कर लिया, लेकिन यारियां ख़त्म नहीं होंगी, सरफराज कप्तानी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसको डर है। इसी तरह मोहम्मद आमिर के साथ सूरत हाल है। अभी बात आती हूँ, देखिए ना आमिर ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, यार आप अंदाज़ा कर लें, अगर एक बंदे ने पिछले आपको 6-7 साल में एक या दो परफॉर्मेंस दिए तो आप 6 साल या 10 साल वही याद करते फिरेंगे। जरा आप इमरान खान का रिकॉर्ड निकालें कि उसने हमारे लिए क्या परफॉर्मेंस दी है। आप सोचिए पाकिस्तान के दो नंबर सहाफियों की जो जर्नलिस्ट बने हुए हैं, और जो सहाफी है जी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनकी कोशिश है कि बाबर आजम किसी तरह सिफर पर आउट हो, हमें कुछ तनकीद का मौका मिले। पूरा पाकिस्तान, इवन के इंडिया के अंदर भी इतने उसके फैंस है कि जब बाबर 50 करता है या 100 करता है तो दुनिया में लोग खुश होते हैं। ये पाकिस्तान के गंदे जर्नलिस्ट है, जब बाबर बेचारा स्कोर नहीं करता तो ये खुश तब होते हैं, और बाबर अगर सेंचुरी या 50 कर देता है जो कि ज्यादातर वो करता है तो इन सब के चेहरे लटके हुए होते हैं। और खास तौर पर आमिर के, ये वहाब रियाज और ये सारे जितने प्लेयर्स हैं, आप इनको कभी भी अच्छा प्लेयर ना समझिए, और आमिर की हालत ये हो चुकी है, उसने अपना इतना डिग्रेड कर लिया स्टैंडर्ड, यानी आप अंदाजा कीजिए कि अब उस माफिया का हिस्सा है, और वो कह रहे थे मुझे टीम में लो। भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या, तुम इतने गंदे एटीट्यूड, गंदी परफॉर्मेंस के साथ तुम इतना एग्रेशन दिखाकर बाबर को तुम बॉल मारे हो, शाहीन उसको आउट करता है, और उसके बाद वो बाबर को जाकर थपकी देता है कि यार मैंने नंबर वन खिलाड़ी को आउट किया, मेरा वो कप्तान है। ये उससे चौका खाता है, दो दफा चौका खाता है, और उसके बाद उसको बॉल मारता है, इतना इसका गंदा एग्रेशन है। फिर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर आमिर, ये इसने मैच फिक्स किया, कौम को बेचा, उसके बावजूद हम सब ने इसके लिए कैंपेन चलाई और इसको टीम में वापस लेकर आए, और हालत ये है कि हमारे नंबर वन खिलाड़ी की ये बेइज्जती करता फिर रहा है। शर्म से डूब मरना चाहिए कि अब शाहीन आकर इसको जवाब दे रहा है, यानी ये लेवल इस बंदे का हो गया है कि पाकिस्तान के हवाले से बजाय तू अपने कप्तान को डिफेंड कर और दुनिया को बता यार उसको आउट करना इतना मुश्किल है, वो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, मेरे जैसे बॉलर की बस की बात ही नहीं है। तो हालत ये है कि उसी को कह रहा है कि नहीं यार ये तो कोई इस काबिल ही नहीं है, ना इस लेवल का है, हम इसके साथ क्या बात करें या क्या मामला करें। तो इस सूरत हाल में शाहीन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि भाई वो किंग है, वो किंग है, और कमर टूटी घमंड नहीं टूटा कि तू काम पर खड़ा है। हकीकत स्लेजिंग ठीक है, अपने एक लेवल की ठीक होती है, हाँ भाई मारना छक्का ये वो ऐसे करके हो जाती है कभी कभी, वो अच्छी भी लगती हैं जिससे मैच में थोड़ा सा करंट दौड़ता है और जुनून आता है। लेकिन हाँ, ये एक एटीट्यूड मैंने देखा जो आमिर के अंदर, वो मुझे बहुत गंदा लगा। यार बैन क्यों नहीं लगा देते बोर्ड वाले पाकिस्तान के, देखो तुम्हारे अंदर टैलेंट था, हमने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, तो
काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, यार इस बंदे में टैलेंट है। चलो गलती मान ली, सज़ा भी भुगत ली, 5 साल का बैन लग गया था फिक्सिंग का, जो साबित हुई थी फिक्सिंग, तो उसके बाद इस बंदे को आ जाना चाहिए, करियर ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन यार अब ऐसा एटीट्यूड अपना लिया है बंदे ने कि यार वो ना कप्तान को देख रहा है ना किसी सामने वाले बंदे को देख रहा है। चलो किसी और उससे बोल दिया होगा, हमने इंटरव्यू भी उसका पॉजिटिवली ले लिया यार, कि वो जब वो बोला था टेल एंडर की तरह आए तो वो पॉजिटिवली ले लिया। लेकिन नहीं यार, ये एटीट्यूड के बाद लगता है उसने बाबर आजम को ही बोला था कि यार इहसानुल्लाह मिल गया भाई, नया बॉलर वो आ जाएगा, बहुत टाइम है उसके पास, शाहीन है ऑलरेडी, हारिस रऊफ है, शदाब है, बहुत सारे बॉलर्स हैं जो काम कर रहे हैं और ना जाने कितने ही अभी पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान की मिट्टी में। जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, पाकिस्तान की मिट्टी जो है फास्ट बॉलर्स पैदा करती रहती है और जैसे कहीं नहीं होते, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबर आजम ही रहेगा। और मेरे हिसाब से वो कूल बंदा है भाई, दिमाग का उसने अपने आप को कूल किया। गुस्सा उसको आया होगा, बुरा लगता है जब स्लेजिंग होती है ऐसी, वो भी आमिर जैसा बंदा अगर इस हद तक बोले, बार बार बोले, हर बॉल पर बोले कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, तो उसको जवाब कवर ड्राइव से देकर शांत कर दिया जाता है, चुप कर दिया जाता है। बाबर आजम ग्रेट कैप्टेंस में से, ग्रेट खिलाड़ियों में से आता है आज के टाइम में। सो यार इज्जत करनी चाहिए, जो बंदा टॉप पर बैठा हुआ है उसकी इज्जत करो यार, वो किसी लेवल पे बैठा हुआ है, किसी वजह से बैठा हुआ है। यार मैं तो कहता हूँ यार, जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं ना उन लोगों को बैन करो परमानेंटली, कि तुम अब टीम में आ ही नहीं सकते। नयों को देखो, बहुत टैलेंट है, बहुत आ रहे हैं लोग, इनका टाइम गया। मेरा तो ये मानना है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर ये हरकत नहीं होती तो हम कह सकते थे कि यार आमिर को एक बार ले लो, एक्सपीरियंस है उस बंदे को। लेकिन नहीं यार, अब वो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हो इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।